बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमीर बख्श। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूं यह है यूसुफ गोट। तो यूसुफ गोट बहुत बड़ी मार्केट है ईरानी सामान के हवाले से। तो ईरानी सामान आप लोगों को भी व्यवस्थ पता है कि साफ़ सुथरा, बेहतरीन, मयारी और सस्ता भी काफ़ी पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप लोग को हर किस्म का सामान, जैसे कॉस्मेटिक्स, कुकिंग ऑयल, शुगर, आटा और कॉस्मेटिक्स का सामान, ये भी मेरा कैमरामैन आपको बता सके, शैम्पू हो गए, बॉडी स्प्रे हो गया, सोप हो गए, सर्फ हो गया, तो हर किस्म की वैरायटी आपको मिल जाएगी, वो भी बड़े चीफ और सस्ते रेट में। तो आइए, ये जो दुकानदार खड़ा हुआ है इनसे ज़रा हम पता करते हैं कि आम चीज़ों का, इसी मतलब चीज़ों का क्या रेट है और इनका क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? नूर अली। नूर अली, आपने क्या क्या रखा हुआ है ज़रा हमारे सुनने, देखने वालों को, सुनने वालों को ज़रा वजाहत से बताएं। भाई जान, मेरे पास तो ईरानी सामान पड़े हुए हमारी दुकान, हमारे दुकान का नाम अली कॉस्मेटिक है और ईरानी सामान में बार वाले सामान है, शैम्पू और आयल है, बहुत अच्छा चीज़ें मेरे पास है। और ईरान का अलग अलग सामान है और शैम्पू है तकरीबन, ये मेरे पास ये सर्फ साबुन पड़ी हुए, बस जो ईरान वाला चीज़ है सब मेरे पास है, इंशाल्लाह मिलेगी। कॉस्मेटिक का और शैम्पू है, खाने का सामान भी है, जेम है और ये चीज़ें मेरे पास। तो भाई ये हमारे बता रहे हैं कि तमाम जितनी भी वैरायटियां हैं, जैसे खाने पीने के सामान से लेके इस्तेमाल का सामान, जैसे जिसमें सर्फ हो गया, साबुन हो गया, कॉस्मेटिक हो गई, कुकिंग ऑयल हो गया और दूसरे सामान भी, तो ज़रा इनसे पता करते हैं कि इस शैम्पू का, ये ज़रा शैम्पू उठाएंगे ज़रा सर, तो इस शैम्पू का पाकिस्तानी शैम्पू से ज़रा कंपेरिजन में करते हैं कि इसमें क्या, इसमें उसमें क्या प्राइस में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। एक एक चीज़ वजह से ये भाई मेरे आपको बता दे रहेंगे। ये नेविया का, ये मतलब कितने में, कितने का ये? ये 150 का, बहुत अच्छा वाला है जी। यहाँ जी जी, बहुत अच्छे शैम्पू है और ये भी ईरानी है, केले वाला शैम्पू है, बहुत अच्छा चीज़ है। और ये सुरफिन शैम्पू है, बहुत ज़बरदस्त चीज़, ओरिजिनल चीज़ ईरान का है तीनों। तो ये नेविया का मतलब पाकिस्तान में कितने का होगा सर ये वजह से? तकरीबन पाकिस्तान में बहुत महंगा पड़ेगा जी। अभी हम लोगों का ईरानी सामान है, बहुत सस्ता है ये वाला जी। हाँ, ये तकरीबन 150 का। 150 का, तो भी बस आप देखें कि ये इतना मतलब ये भरा हुआ शैम्पू है, बड़ा लार्ज, 150 का, ठीक है। अगर मैं समझता हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी आप ले लें तो तकरीबन आपको 350-400 से कम ये नहीं पड़ेगा। और सर इसका आपने कितना बताया? ये भी 150 रुपये का है। और ये भी 150 रुपये का है। तो बाकी चीज़ें ज़रा आप मुझे वजह से ज़रा बता दे रहे हैं हम अपने देखने वालों को, जैसे ये हेयर कलर पड़ा हुआ है सामने, तो ये भी हम आपसे ज़रा इसका रेट पता कर लेते हैं। ये हेयर कलर पड़ा हुआ है, ये कितने का सर? ये 240 रुपये का है। 240 जी। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी तकरीबन 550 में होगा, ठीक है ना। और ये ज़रा बॉडी स्प्रे, जो ये बॉडी स्प्रे, ये भी शैम्पू ईरानी, ये सब ईरानी शैम्पू पड़ी हुई है, ये सब ईरानी शैम्पू है जी। और ये जो बड़े साइज में पड़ा हुआ है ये जी, ये 200 रुपये का है, मेमी शैम्पू है इसका नाम। मेमी शैम्पू जो है 200 रुपये का, तो मैं समझता हूँ कि ये माशाल्लाह 6 महीने तक आप लोग के पास, आप लोग को मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सर ये हेयर कलर है, हाँ ये भी शैम्पू है, ठीक, सोल्जी शैम्पू, ये भी 150 रुपये का है। तो आगे चल के बाकी चीज़ों में जैसे जैसे मैं देखते जा रहा हूँ तो आप लोग के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और ये सामान आप लोग को काफ़ी सस्ता, और कुकिंग ऑयल का सर आप ज़रा रेट बता सकते हैं कि पाकिस्तानी और उसमें क्या फ़र्क है? पाकिस्तानी और पाकिस्तानी बहुत महंगा है और ईरानी वाला सामान जो है वो बहुत सस्ता पड़ेगा। कुकिंग ऑयल कितने का पड़ेगा? कुकिंग वाला तकरीबन सस्ता पड़ेगा वो भी, मतलब फी किलो कितने का पड़ जाएगा? फी किलो तकरीबन 250 रुपये। 250? हाँ। और पाकिस्तानी? पाकिस्तानी तकरीबन 400-450 भी होएगा इस तरह। तो ये भाई मेरे कह रहे हैं कि जैसे ईरानी कुकिंग ऑयल आपको 250-350 में आप लोगों को पड़ जाएगा और पाकिस्तानी 450 से ऊपर है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि काफ़ी डिफरेंस है सामान के अंदर। और ये देखें इनकी क्वालिटी भी आप माशाल्लाह देखें कि इनका सामान बड़ा साफ़ सुथरा, वेल क्लीन,
बेहतरीन सामान है इनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास तमाम वैरायटियां जो है ये मौजूद हैं। तो सर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे जिसको अगर कोई सामान वगैरह करता है तो आप अपना नाम और नंबर यहाँ पर बता दें। यार मेरा नाम नूर अली है, दुकान का नाम अली कॉस्मेटिक है और मेरा नंबर 03-13-86-96-116 ये मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है। व्हाट्सएप भी है? जी जी व्हाट्सएप ही नंबर। तो इन्होंने जो नंबर बताया तो व्हाट्सएप नंबर भी इनका यही है और टेलीफोन नंबर भी इनका यही है, जिस मेरे बहन को भाई को ज़रूरत पड़ती है। अली कॉस्मेटिक्स के नाम से बहुत बड़ी दुकान है और माशाल्लाह इनके ओनर भी बहुत अच्छे हैं। तो कोई चीज़ भी आप लोगों को चाहिए आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि अगर कोई चीज़ इनके पास अवेलेबल नहीं भी होगी तो ये आपको अरेंज करके दे देंगे। तो अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, पाक परवरदगार, और ये सामान तमाम इनके पास अवेलेबल है। तो आप लोग ज़रूर इनसे कॉन्टेक्ट करें।